व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोग का शेरू क्लासिक एपिसोड नंबर 4 में। तो भाइयों, मैंने 2-3 दिन पहले एक फोटो डाली थी इंस्टाग्राम पर, आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए कि भाई आप इतने तगड़े कैसे हो गए। अभी ठीक ठाक लग रहा हूँ तगड़ा मैं, क्योंकि अभी सो के आया हूँ, ठीक है, अभी नींद में है, बॉडी पंप नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद मैंने एक स्टोरी डाली थी कि भाई अपनी एक डाइट पर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं दिखाऊं कि मैं खाता क्या हूं लीन बल्क पे। लीन बल्किंग का मतलब समझो पहले, क्योंकि 99% लोग लीन बल्किंग करने तो लगते हैं पर वो कर नहीं पाते हैं। और मैंने भी ये गलती करी थी, मैं 90 किलो पे पहुंच गया था, 92 किलो पे, और अभी भी मैं 90 किलो पे हूं, पर फर्क इतना ज़्यादा है अब मेरी बॉडी में, जो मसल मास है ना वो बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम मैं क्या कर रहा था, मैं बल्क करता रहा और एंड कहाँ हुआ उस बल्क का, फैट पर। इतना ज़्यादा बड़ा पेट, इतना गोल मुंह हो गया था मेरा। तो यही गलती होती है कि लोग लीन बल्क करना तो स्टार्ट करते हैं, बट वो एंड जब करते हैं लीन बल्क तो उन्हें पता चलता है उन्होंने तो बहुत सारा फैट गेन कर लिया। तो इस बार तुम्हारे भाई ने प्रॉपर तरीके से लीन बल्क किया और ठीक ठाक तगड़ा लग रहा हूँ भाइयों। तो आप लोगों को चलो डाइट दिखा देता हूँ, ये है मेरी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में होने वाले भाई 8 होल एग, ठीक है। कभी भी योक से मत डरना, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी क्वालिटी ऑफ फैट मिलेंगे, और फैट में ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो कम क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज लेने का तरीका है ब्रेकफास्ट में, हमेशा एग, वो भी होल। अब मैं पहले एग वाइट खाता था, मैं सबको देखता हूँ एग वाइट खाते हैं। अगर आप भाई कटिंग भी कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट सुबह होल एग खाओ, बाद में एग वाइट कर दो। पर मैं कभी भी एग वाइट नहीं खाता हूँ, क्योंकि होल एग में ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, ज़्यादा हेल्दी क्वालिटी ऑफ फैट मिलता है आपको। एट द एंड बल्क कौन करेगा हेल्दी कैलोरीज। तो भाई खाना बनाने के लिए मैं 2-3 चीज़ें यूज़ करता हूँ, या तो बटर या घी, ठीक है, और या कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए घी या बटर, क्यों, क्योंकि इसमें खाना कभी जलता नहीं। फर्स्ट मील मेरी प्योर प्रोटीन एंड फैट ही रहती है, मैं इसमें कोई कार्ब्स यूज नहीं कर रहा। टेस्ट के लिए ऊपर सॉस डाल लेता हूँ भाइयों, इतना टेस्ट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाइयों इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ मैगी, दूसरी मैगी, तीसरी मैगी, पर इससे कोई मेरे को रिजल्ट मिलेगा नहीं खास, तो मैं मैगी मसाला मिला लेता हूँ। मैच चल रहा है आरसीबी और पंजाब का, 151 पे 2, और तीसरा हो गया आउट। चलो भाइयों कोई दिक्कत नहीं है, कोई आउट होए कोई कुछ करे, हमें तो मतलब है अपनी बॉडी बनाने से। तो ये अपनी है भुजिया होल एग की, 8 होल एग की, और इसे खा लेते हैं। तो भाइयों अब बारी है सेकंड मील की। तो इस मील में मैंने ये ओट्स उबाल लिए हैं, बिल्कुल सिंपल ओट्स है, प्लेन ओट्स। मेरे को मसाले वाले भी मैंने खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को ये वाले ज़्यादा पसंद है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 70-80 ग्राम ओट्स होंगे जो मैंने इसमें डाल लिए। अब इसमें कैलोरी बढ़ाने के लिए काजू, बादाम, अखरोट भी डाल सकते हो। अखरोट का टेस्ट बढ़िया नहीं होता, ठीक है, आप वैसे खा सकते हो मिला के, कोई दिक्कत नहीं है, बट काजू डाल लिए अच्छे खासे, बादाम डाल लिए। चनु आई हो मेरा बच्चा, आई हो, पानी पानी ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो इसमें मैं मिला रहा हूँ 1 स्कूप प्रोटीन, वैसे ये आइसोलेट प्रोटीन है, चॉकलेट फ्लेवर है, बहुत बढ़िया फ्लेवर। ओट्स में है ना कोई भी फ्लेवर मिला लेना भाइयों, कभी बढ़िया नहीं लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर में ही होता है कि हाँ लगते हैं आप चॉकलेट टाइप कुछ खा रहे हो। एक बार मैंने मैंगो मिला लिया था ओट्स में, बड़ा मुश्किल हो गया था भाई छाती के नीचे भेजना, फिर सोचा यार ख़राब क्यों करा अपना प्रोटीन, तो खा ही लिया मैंने कैसे ना कैसे करके। तो ये है मेरी सेकंड मील। वैसे इस तरह की मील मैं ब्रेकफास्ट के साथ ही लेता था, बट अब मैंने होल एग स्टार्ट कर दिया, साथ में ड्राई फ्रूट भी है, प्रोटीन भी है, तो बहुत ज़्यादा पेट भर जाता था अगर मैं एक साथ खाऊं इसको, तो मैंने अलग मील बना ली बिल्कुल। तो प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, एकदम बढ़िया मील बल्किंग के लिए, अच्छी खासी कैलोरीज जो आपको एक लीन बल्क करने में बहुत हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल कर देगी आपका लीन बल्क। नॉर्मल चॉकलेट तो खा नहीं सकते क्योंकि वो फैट बढ़ा देगी बॉडी में। तो अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट मील की, जो है प्री वर्कआउट मील। और आप ये मील देख के चौंक जाओगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करता हूं, आप में से 99% लोग नॉर्मल फिटनेस करते होंगे, तो मेरे लिए नॉर्मल है, आप लोगों के लिए नहीं होगी ये प्री वर्कआउट मील नॉर्मल। और ये सप्लीमेंट जरूर ऐड करो अगर आपको फैट लॉस करना है, अगर आपको
ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी कम फील होती है। यह है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का एल कार्निकट 1500 इसका नाम है, बट इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन चीज़ है, वो है एल कार्नाटाइन। भाई वो करता क्या है, खाली पेट लोगे आपको एनर्जी भी देगा, आपका फैट बर्न करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब मैं शाम को जिम जा रहा हूँ तो मेरे को ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ रिकवरी में हेल्प करेगा। जिसका पेट खराब रहता है, जिससे डाइजेशन अच्छा नहीं होता, तो मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, 100% बैन सब्सटेंस फ्री है, शुगर फ्री है, और फ्लेवर भी इसके बहुत सारे अवेलेबल है। ये है ब्लड ऑरेंज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी बहुत सारे फ्लेवर है, आप जाके चेक कर लेना। ये आपको जरूर 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 ऐड करना चाहिए अपने सप्लीमेंट्स ट्रैक में, जो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, ठीक है। और इसका प्राइस भी मतलब ऐसा है कि हर कोई ले सकता है, 475 रुपये प्राइस है भाई, और क्या चाहिए आपको। लिक्विड में मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लिक्विड जल्दी हमारी बॉडी में जाके घुलता है। एल-कार्निटाइन मैंने गोली में भी ले रखा, पाउडर में भी, बट लिक्विड ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले मैं क्या मिला रहा हूं, देखते जाओ अभी। एक स्कूप प्री वर्कआउट ये मिला दिया। अब इसमें मैं क्या मिला रहा हूं, एक स्कूप BCAA। अब इसमें मैं क्या मिला रहा हूं, एक स्कूप क्रिएटिन। अब जो लास्ट चीज़ मैं इसमें मिला रहा हूँ वो है एल-कार्निकट, एक ढक्कन। ये फ्लेवर एल-कार्निकट है, फिक्स दे रखा है। अब लास्ट चीज़ जो इसमें है मिलानी है वो है चोनू की चीख। मार चोनू चीख इसमें, मार। हाँ ठीक है। ये प्री वर्कआउट मील एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरी गेनिंग का। आप देख सकते हो ये टी शर्ट है ना, मैंने 1.5 महीना पहले मंगाई थी, और ये मुझसे ऐसे हिला भी नहीं जा रहा इसको पहन के ज़्यादा, बट आज पहन के जा रहा हूँ क्योंकि लेग्स वर्कआउट करना है। और कमेंट में ये मत बोलना भाई लेग्स तो है ही नहीं, जो ऐसा बोलते हैं ना उन दोनों की, दोनों थाई को मिला के एक थाई है मेरी, ठीक है, अभी तो पंप भी नहीं हुई। तो ये है मेरी प्री वर्कआउट मील, ये मैंने मिला दिया है। तो तीन केले हैं, मैं काम करूंगा, एक मैं जाते जाते खा लूंगा, एक मैं वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले खा लूंगा, और एक मैं ड्यूरिंग वर्कआउट खाऊंगा, ठीक है। है भाइयो, बॉडी बिल्डिंग इज डिफरेंट, ठीक है भाइयो। अब ये मत बोलना कि ये भाई क्या अजीब सी चीज़ें कर रहे हो, रहने दो, पता है मुझे तुम सारे क्या क्या करते हो हरकतें। इसमें सप्लीमेंट, इसको देखो माँ, दे नए लिया आया था, माँ गुम हो गए थे ना, ये नए लिया आया, यो कवर लिया था, घने महीने हो गए थे। हाँ दो जोड़ी, एक सोनिया के। मम्मी मैंने याद है, मैं वहाँ साकेत जिम में जाऊँ था ना, बड़े तान लाग रहा था, और मैंने गाड़ी में धरे थे, और तो और के सुबह कनेक्ट भी हो गए थे फोन में, पर नूना बेरा पटक थे कित, फोन में कनेक्ट हो गए थे, हाँ पर बेरा ने पटक थे कित हुए थे ना वो कनेक्ट। तो भाइयों मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने, और फिर बताऊंगा आप लोगों को कि मेरी जो बाकी की मील है उसमें क्या क्या खाने वाला हूँ, क्या हुआ, ठीक है। चलो चलो बेटे जल्दी आऊँगा, ठीक है, अभी आया जिम में जा रहा हूँ। तो भाइयों लेग्स वर्कआउट कंप्लीट हो चुका, और ये जिम आप लोगों को पता ही होगा ये कौन सा जिम है, जहाँ तुम्हारे भाई हमेशा से वीडियोस बनाता है, जहाँ तुम्हारे भाई को आप हमेशा से देखते आए हो। तो नरेला आया हुआ था, तो यहाँ हमेशा वर्कआउट करता हूँ जब भी आता हूँ। आज किया भाई लेग वर्कआउट, फुली पंप, और साइज़ भी अच्छा खासा गेन हो गया इस लीन गेनिंग में लेग्स का, देख सकते हो, ठीक है, काफ भी सही हो रखी है पहले से, और थोड़े से ऐप्स किए भाई, ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़नी अब की बार। तो भाई आफ्टर वर्कआउट अब मैं ले रहा हूँ एक केला। अगर आप खाली प्रोटीन पीते हो ना, जो कि 99% लोग पीते हैं जिम में जाके, तो होता क्या कि आपका बहुत सारा प्रोटीन आपकी बॉडी को एनर्जी देने में चला जाता है। दैट्स वाई आप लोगों को एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चाहिए जो आपको इंस्टेंट एनर्जी दे सके, और जो आपका प्रोटीन है वो यूज़ होए आपकी मसल बिल्ड करने में और आपकी रिकवरी में। दैट्स वाई केला एक सिंपल और ईजी ऑप्शन ऑलवेज। तो भाई घर आ चुका हूँ, अब बारी है प्रोटीन की, 1.5 स्कूप पीऊँगा प्रोटीन, और फिर अपना मील लूँगा 1-1.5 घंटे बाद।
तो फिलहाल मैं प्रोटीन पी लेता हूँ भाई, बहुत ज़रूरी है इस वक्त इतनी मेहनत करने के बाद। हर एक मील, हर एक प्रोटीन का स्कूप, हर एक ग्राम प्रोटीन, पर मैं अभी ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 50 ग्राम, डेढ़ स्कूप आइसोलेट प्रोटीन। प्रोटीन गिर गया मैं थोड़ा सा। इस प्रोटीन को अब उठा के खाना पड़ेगा कैसे ना कैसे। पहले अपने एक स्कूप पी लेता हूँ फिर खाऊंगा, खराब नहीं जाना ना भाइयों। ये कम से कम 2 ग्राम तो प्रोटीन होगा। तो मेरे को तो ऐसी आदत हो गई कि मेरे को तो यही बढ़िया लग रही थी। मैं तो उठते ही आऊंगी और सारे उठते ही बुला लूंगी फिर। तो अब बारी है नेक्स्ट मील की, जो मैं प्रोटीन पीने के 1 घंटा बाद खा रहा हूँ। तो अगर आप प्रोटीन पी रहे हो, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो अपनी नेक्स्ट मील लेने में, 1/2 घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे के बाद खाया करो, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन भी जाएगा, वो 30 से 50 ग्राम प्रोटीन भी आपकी बॉडी में, फिर बहुत सारा खाना भी, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आपको खाने के लिए। तो ये मील होने वाली है दाल चावल की। घर पे हमेशा आप लोगों को यही बनता मिलेगा, दाल चावल, और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। कभी कभी रोटी, कभी कभी चावल, पर दाल जो ये पीले वाली है, ये हमेशा हमेशा मेरी फेवरेट चीज़ है। सिंपल, बढ़िया, खाने में इजी, ब्लोटिंग नहीं करती। ये दही ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, चाट मसाला डाला है इसमें। और ये चिकन हर्ब, ये 250 ग्राम है। अब अपने जिम में होते तो रेस्टोरेंट से सारा खाना आ जाता है, ठीक है, वहीं से चिकन, वहीं से चावल, वहीं से सारी चीज़ें हो जाती है नाप नाप के। बट घर पे अभी मंगा लिया था कॉल करके, जब मैं जिम में गया था सोनिया ने कॉल कर दिया था कि चिकन दे के चले जाओ, तो वो चिकन दे गए थे। और चिकन को टेस्टी बनाने के लिए ये मिंट सॉस है, ठीक है, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, अगर आज मंगा ली मेरे पीछे से तो खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहीं पर पैनकेक्स बनाऊँ, एक तो बनने में ले इतना देर, ऊपर से उसमें इतना तामझाम, ऊपर से रिमोट आ गया मेरे नीचे, ठीक है, दैट्स वाई वो मील जो इजीली बन जाए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग भाई वही एक दिन का खेल तो है नहीं कि एक दिन आपने पैनकेक्स बना लिए, फिर आपने कोई अलग तरीके की डिश बना ली, फिर आपने कोई रेसिपी बना के रोल बना दिया। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, एट द एंड तो घर में रोटी चावल ही बनेंगे ना, उससे ही करनी पड़ेगी, उससे ही बॉडी बनेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, अपना रोटी चावल को अपनी डाइट में रखो, साथ में प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज ऐड कर लो। पता नहीं यार, बाहर सब कुछ खा लूँगा पर एक चीज़ जो सबसे टेस्टी है पूरी दुनिया में वह घर की दाल, पता नहीं क्यों, शायद आदत है कभी से दाल खाने की, इसलिए। तो अब बारी है लास्ट मील की, जो कि डिनर है, जो मैं सोने से 1 से 2 घंटा पहले खाता हूँ। कभी कभी मैं रोटी खा लेता हूँ, कभी कभी मैं चावल खा लेता हूँ, तो आज मैं चावल रख रखे हैं मैंने, ठीक है, और वही चिकन है, दाल है जो मेरा पिछली मील में था, वही दही है, उसमें चाट मसाला है, पर साथ में 2 केले है। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा दे रहा हूँ बॉडी को। तो आप देख रहे हो कि मेरी जो टोटल लीन बल्किंग की डाइट है वो किस तरीके की है। तो अगर आप बल्किंग करना चाहते हो तो ये है वो बेस्ट मील, बहुत ही सिंपल, जो आप डेली मैनेज कर सकते हो। तो जो मील मैंने आपको आज पूरे दिन में दिखाई है वो मैंने पिछले 1.5-2 महीना फॉलो करी है, और इस मील से मेरा वेट 86 से 90 kg पहुँच गया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वेट बढ़ाना इज़ नॉट अ बिग डील। मैं 86 से 90 kg, ये लगा लो मैं 5 दिन में जा सकता हूँ, बट उसके लिए मैं ओवर ईट करूँगा और बॉडी में फैट गेन कर लूँगा, क्योंकि लीन मसल बिल्ट होने में टाइम लगता है। और बेस्ट वे क्या होता है, एक अच्छी डाइट फॉलो करना जो आपकी बॉडी में फैट ना लाए ज़्यादा, आपकी बॉडी में मसल लाए। इसको कहते हैं लीन बल्क, जहाँ पर आप मसल मास गेन करते हो, ताकि जब मैं अभी कटिंग स्टार्ट करूँगा मंडे से, तो मैं ज़्यादा वेट लॉस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा फैट गेन नहीं किया है। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो,
शेरु क्लासिक का एपिसोड नंबर 4, मेरी पूरे दिन की लीन बल्क की डाइट, और अब कटिंग की डाइट भाइयों बनाऊंगा जल्दी ही, जब स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा श्रेड होके, रिब्ड फिजिक जब हो जाएगी, जब आपको बताऊंगा कि कौन सी डाइट मैं कटिंग में फॉलो करता हूँ। ये आज की वीडियो भाइयों, लाइक कर देना वीडियो को, और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा साढ़ बन जाना तोड़ देना, 5 मिलियन करा दो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटा मिलेगा उसे भी दबा देना, ताकि जब भी आपको भाई वीडियो अपलोड करे सबसे पहले आपको पता चले कि भाई की वीडियो आ गई। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों। विलन नॉट पीस गेंस।